दीवाने तेरे नाम के। साथियों, आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जिस तरह के वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर इंस्टाग्राम रील्स यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स पर इस सॉन्ग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पे अगर इस प्रकार का वीडियो बना के आप इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करोगे तो दोस्तों आपका जो वीडियो वो वीडियो वायरल हो सकता है। तो यार, इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके वीडियो को शूट करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों, एक्टिंग करते टाइम एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप ब्लू और व्हाइट कलर का कुछ भी आप ड्रेस को नहीं पहनिएगा। बाकी साथ ही यहाँ पर आप देखो तो मैं कुछ इस तरह से हाथ को ऊपर तरफ उठा के एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप अपना वीडियो को काइन मास्टर के अंदर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पर म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट करने के बाद दोस्तों, वीडियो को अभी आपको स्लो मोशन में बनाना है। उसके लिए साथियों, आप यहाँ पर स्पीड वाले ऑप्शन में जाके कुछ इस प्रकार से 0.5 आप यहाँ पर कीजिएगा। अब साथियों, आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहाँ पर दोस्तों इस वीडियो एडिटिंग में यहाँ पर जो जो चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ों का मैंने लिंक दे के रखा है, आप दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपको इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों आपको इसी वाले वीडियो से ऑडियो को निकालना होगा। उसके लिए आप राइट साइड में नीचे में अगर देखोगे तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, आपको साथ ही यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन वीडियो काम यहाँ पर हो चुका है, सो गाइस इसको आपको एडिट करके हटा देना होगा। अब दोस्तों, जितना आपका ऑडियो का ड्यूरेशन है आपके वीडियो का ड्यूरेशन को उतना रख के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ पर ट्रिम करके हटा लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको अपना जो वीडियो उसको एडिट करना है, उसके लिए गाइस आप राइट साइड में अगर देखोगे तो गाइस आपको यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, आपको साथ ही फिल्टर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर बेसिक वाले ऑप्शन में जाके नीचे में आप आइएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको V37 बोल के दिखेगा, आपको दोस्तों इसको सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा वीडियो है ब्लू टाइप का हो चुका है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक करना होगा। बैक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर दोस्तों, जो कॉन्ट्रास्ट है इसको आप कुछ इस टाइप से बढ़ा दीजिएगा, सैचुरेशन को भी आपको इंक्रीज करना है, इसको भी आप यहाँ पर बढ़ा के इस चीज़ को गाइस हल्का सा आपको डाउन कर देना होगा। मैं यहाँ पर जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ, मतलब ये जो स्काई है देख सकते हैं इतना बढ़िया से गाइस मेरा यहाँ पर ब्लू टाइप का हो चुका है। सो गाइस, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर ब्लू टाइप का बनाना होगा। इस तरह से आपका जिस स्टेप वन काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब साथ ही वो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप 1080p रखिएगा, 60fps में जो अपना वीडियो है उसको एक बार यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। जैसा कि साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो जो वीडियो मेरा गैलरी में सेव हो चुका है। अब दोस्तों, दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर डिलीट करके हटा देना होगा। हटाने के बाद अभी आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन गाइस, अभी आपको इस वाले बैकग्राउंड वाला जो वीडियो है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद दोस्तों, आप अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आ जाइएगा। यहाँ पर गाइस, आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो वीडियो दोस्तों आपने अभी अभी एक्सपोर्ट किया है उस वाले वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको राइट साइड में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, आपको साथ ही इस पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन को सेट कर देना है। अब दोस्तों, जहाँ पर अपना वीडियो दिखता है कुछ इस टाइप से, इस जगह पे आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक कर लेना है। देन आप यहाँ पे ये जो ब्लू बैकग्राउंड है इसको गाइस यहाँ से रिमूव करना होगा। उसके लिए साथियों, आप राइट साइड में अगर देखोगे तो गाइस आपको यहाँ पर एक क्रोमाकी का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों क्रोमाकी वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट मेरा कलर जो है ब्लू सिलेक्ट हो चुका है। अभी आपको इसको इनेबल कर देना होगा। जैसे आप इसको इनेबल करें कुछ इस तरह से आपका जो वीडियो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों, कुछ इस टाइप से इसको आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना होगा। मीडिया को सिलेक्ट करके अब दोस्तों, आपको इस वाले वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन जो शेडो डाउनलोड किए थे इस वाले शेडो को आप सिलेक्ट कीजिएगा। देन कुछ इस टाइप से इसको आपको नीचे तरफ में आपको यहाँ पर ले आना होगा। देन आपको देखना है कि कहाँ पर आपका देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर जो है मेरा अच्छे से नहीं दे, तो कुछ इस तरह से इसको आपको एडजस्ट करनी है। देन इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों, आपके वीडियो का जितना ड्यूरेशन है इतना आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको मेन यहाँ पर जो अपना नाम है उसको लिखना है। उसके लिए दोस्तों, आप यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर नाम स्काई में लिखना चाहते हो उस वाले नाम को आप यहाँ पर टाइप करके लिखिएगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे मेरा जो नाम है उसको मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आपको ओके प्रेस करनी है। अब कुछ इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे बड़ा कीजिएगा, इस जगह पे इसको आपको रखना होगा। अब दोस्तों, इसका जो फॉन्ट है आप फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जिस तरह का फॉन्ट लगाना चाहते हो उस तरह का जो फॉन्ट है आप दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके प्रेस करनी है। अब इस वाले थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक आप यहाँ पर कर दीजिएगा। देन इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों, जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन होगा इतना आप यहाँ पर कीजिएगा। देन कुछ इस तरह से ऊपर तरफ इसको आपको उठा देना है।
लीजिए साथियों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस टाइप का वीडियो एडिट कर सकते हो। बाकी साथियों इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा या फिर 1080p 60fps में अपना जो वीडियोज को सेव कर लीजिएगा।